नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। आज यानी 20 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाली बिहार पुलिस दिवस 2023 की तैयारियों को लेकर बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने जनता और तमाम पुलिस कर्मियों के नाम संदेश दिया है। भट्टी ने कहा है कि बिहार पुलिस दिवस की शुरुआत 20 फरवरी से हो रही है। पुलिस दिवस को आम लोगों को समर्पित करते हुए इसे जन जन की ओर बढ़ते कदम नाम दिया गया है। भारत का रूसी तेल आयात जनवरी में रिकॉर्ड 1.4 मिलियन बैरल प्रति दिन तक चढ़ गया है, जो कि दिसंबर महीने से 9.2% ऊपर है। मॉस्को अभी भी नई दिल्ली में सबसे बड़ा मासिक तेल विक्रेता बना हुआ है। इसके बाद इराक और सऊदी अरब का स्थान आता है। व्यापार सोर्स डेटा के मुताबिक पिछले महीने रूसी तेल का भारत द्वारा आयात किए गए 5 मिलियन BPD कच्चे तेल का लगभग 27% हिस्सा था, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार भले ही जदयू को सुंदर बगीचा बताते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बगीचे में एक से एक विषैले और जहरीले जंतु रहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने न्यूली मैरिड जोड़े को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने का इन्विटेशन दिया, लेकिन इसको लेकर अब छात्रों के बीच तकरार बढ़ती ही नजर आ रही है। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने कहा कि स्वरा भास्कर को वो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं आने देंगे। नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कर चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर गहन मंथन भी हुआ। बैठक में एक राय बनी कि कर चोरी रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, संभावित क्षेत्रों में विशेष नजर भी रखी जाएगी। गुटखा, पान मसाला, सरिया और रेडीमेड जैसी वस्तुओं की ई इनवॉइसिंग, ई वेल बिल, फास्टैग और जीपीएस जैसे माध्यमों के जरिए ट्रैकिंग पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी 24 फरवरी को सिलोंग और तूरा में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले। हालांकि तूरा के पीए सांगमा स्टेडियम में मेघालय सरकार ने पीएम मोदी की रैली के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार के तहत आने वाले राज्य खेल विभाग ने मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के गृह निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण तुरा में बने इस स्टेडियम में रैली की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा है कि यहां सभी निर्माण कार्य चल रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से यह जगह पीएम की रैली के लिए उचित नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके अपनी जन सुराज पद यात्रा के दौरान सिवान के विभिन्न प्रखंडों में घूमकर लोगों से मुलाकात और सभा कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को उन्होंने जीरादेई प्रखंड, दरौली प्रखंड और मैरवा प्रखंड में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लालू यादव और जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन लोगों को अपने बेटे की चिंता है और आप लोगों को अपने लड़के की कोई चिंता नहीं है। आप अपने और अपने बेटे की चिंता करिए, तब बिहार सुधरेगा। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने ग्राहकों को जानकारी देते हुए बताया है कि SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर इसका असर होगा। बैंक ने कार्ड के शुल्क में इजाफा कर दिया है। यह संशोधन 17 मार्च 2023 से लागू होगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास के 646वें राज्य स्तरीय जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा है कि वादे के अनुसार बंपर बहाली निकालकर हम 10 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख से अधिक नौकरी के लिए बहाली निकलने जा रही है। ममता दीदी और आशा दीदी का भी मानदेय बढ़ाएंगे। नगर निकाय में काम करने वाले राज्य भर के सभी सफाई कर्मियों को जूता और पोशाक देने जा रहे हैं। आप लोग एकजुट हो जाइए, लोकसभा चुनाव में भाजपा 2-3 सीटों पर सिमट जाएगी। बिहार तय करेगा कि देश में किसका राज होगा। बांग्लादेश सरकार ने भारत से इस साल ढाका और चटगांव में इस्तेमाल के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध रविवार को बांग्लादेश में भारत के उप उच्चायुक्त डॉक्टर बिनॉय जोगेर, बांग्लादेश के सड़क परिवहन और पुल मंत्री ओबैदुल कादर के बीच उनके कार्यालय में हुई बैठक के दौरान किया गया। केंद्र सरकार ने इस बजट में जिस तरह से कौशल विकास और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाई, उस दिशा में मजबूत कदम अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास संबंधी डिप्लोमा शुरू करने के लिए इस तरह की गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि काम चलाओ पढ़ाई करा कर सिर्फ डिप्लोमा बांट देने वाले संस्थान नहीं चल सकेंगे। ड्राफ्ट का अहम बिंदु है कि 3 वर्ष में 70% छात्रों को प्लेसमेंट दिलाने वाले संस्थानों को ही डिप्लोमा कोर्स चलाने की मान्यता आगे दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों में माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट अपने अनाप शनाप जवाब के कारण चर्चा में है और चैट जीपीटी भी इसमें शामिल हो गया। चैट जीपीटी की पहचान एक अच्छे और सुलझे हुए चैटबॉट के रूप में है, लेकिन अब चैट जीपीटी ने भी ऐसा जवाब देने लगा है कि जिसे विवाद हो सकता है। चैट जीपीटी ने एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवादित शख्सियत कहा है। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रविवार को घोषणा की है कि वह हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारी से लड़ने के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करेगा। SII की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर इंफेक्शियस डिजीज एंड पैंडेमिक प्रिपेयरनेस केंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैदराबाद में स्थित होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया।
उन्होंने बीजेपी को मुगलों का औलाद बताया तो असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार किया। मीडिया से बातचीत कर रहे असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा से महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती ने ये यहाँ डिस्कवर कर लिया है कि बीजेपी मुगलों की औलाद है, हम लोग तो मुगलों का जो इतिहास है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मुगलों का सपना तो उनके ही दिमाग में है, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि उनका समय अरबपति बिजनेसमैन अदानी अंबानी टाटा से भी अधिक कीमती है। बाबा रामदेव ने गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। गोवा में 3 दिवसीय कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा है कि 99% कॉरपोरेट्स अपना समय खुद के फायदे में लगाते हैं जबकि एक संत का समय सभी के कल्याण में लगता है। बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में रविवार को आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों और उनके परिजनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि जाति का भेदभाव छोड़िए, हम सभी हिंदू हैं जो दूसरी जातियां अलग अलग धर्म अपनाए हुए हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू थे, हमें विभिन्न जातियों पंथ भाषाओं और क्षेत्रों के परिवारों के साथ मित्रवत संबंध बनाकर उनके साथ नियमित रूप से मिलन भोजन और चर्चा करनी चाहिए। विभिन्न आर्थिक स्तर के परिवारों के बीच परस्पर सहयोग की भावना जागृत हो, स्वयं सेवकों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तुर्की में भारतीय सेना के ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप पीड़ितों के लिए राहत बचाव अभियान में त्रुटि, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की आखिरी टीम वापस भारत आ गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है कि 99 सदस्यीय स्वनिहित टीम ने इंस्केंड्रन हेते में पूरी तरह से सुसज्जित 30 बेड वाले फील्ड अस्पताल को सफलतापूर्वक स्थापित किया और चलाया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के अनुसार भारतीय घरेलू हवाई यात्रा में कोरोना से पहले वाली रौनक फिर से लौट आई है। IATA के मुताबिक साल 2022 में राजस्व से लेकर ट्रैफिक तक में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला और यह 2019 के स्तर के 85.7% को एक बार फिर से छू गई। दरअसल IATA ने इस महीने के शुरुआत में रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि हवाई यात्रा में सुधार दिसंबर 2022 में भी जारी रहा है और 2021 की तुलना में पूरे साल प्रदर्शन उच्च स्तर पर रहा। भजन सम्राट पद्म श्री अनूप जलोटा रामचरितमानस की चौपाई की आलोचना करने वालों को नकारात्मक सोच वाला बता रहे, साथ ही इसे राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया कदम करार दे रहे हैं। उनके अनुसार सकारात्मक सोच के लोग तारना को तारने के अर्थ में लेते हैं जबकि नकारात्मक सोच वाले इसका अर्थ मारपीट निकालते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया जो देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक अनूठा संग्रहालय है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी जानकारियां और चीजें मौजूद हैं। भारतीय टीम ने रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 6 विकेट की जीत से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बरकरार रखी है। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी उनके काफी करीबी हैं। अब फोर्ब्स ने विनोद अडानी पर गंभीर आरोप लगाए। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए लिखा है कि विनोद अडानी ने सिंगापुर स्थित अपनी कंपनी के लिए एक रूसी बैंक से $240 करोड़ का कर्ज लिया है। इस कर्ज के लिए उन्होंने गौतम अडानी की कंपनी के बेनामी स्टेक को गिरवी रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी जानकारी भारतीय बैंकों को भी नहीं दी गई है। फोर्ब्स के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रमोटरों की हिस्सेदारी को बिना बैंकों को बताए गिरवी रखा गया है। इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने भी ट्वीट किया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि भाजपा के विरोध में पड़ने वाले वोटों को बिखरने से रोकने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता सबसे अहम मानक है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस भी विपक्षी एकता को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मौकों पर मौजूदा स्थिति को बयां किया है कि कांग्रेस अकेले सरकार का सामना नहीं कर सकती, कांग्रेस हर कीमत पर लड़ेगी, लेकिन हमें इस अलोकतांत्रिक तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए विपक्ष एकता की जरूरत होगी। अपने विवादास्पद बयानों के लिए प्रसिद्ध विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर की शादी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर वापसी का न्योता भी दिया है। साध्वी प्राची ने बरेली के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही है। कहते हैं कि मियां बीबी दादी तो क्या करेगा काजी, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शादी का काजी मौलाना पंडित और साध्वी सभी विरोध करने पर लगे हुए हैं। यूजर्स के पास आए दिन प्रमोशनल कॉल्स और SMS आते रहते। प्रमोशन के चक्कर में टेलीकॉम कंपनियां ना दिन देखती हैं ना रात, यूजर्स के पास कॉल या मैसेज भेजते रहती हैं। साफ तौर पर इससे यूजर्स को काफी परेशानी होती है। हालांकि अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने इस परेशानी से निजात देने की तैयारी की है। ट्राई ने 10 डिजिट के चुनिंदा मोबाइल नंबर को बंद करने का फैसला किया है। ट्राई के इस फैसले से टेली मार्केटिंग कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा। लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों को लेकर जनता की राय में परिवर्तन देखा जा रहा है। हाल के आज तक और वोटर के जनवरी के मूड ऑफ द नेशन चुनावी सर्वे में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाया गया है। वही कांग्रेस की लोकप्रियता में इजाफा भी बताया गया है, चूंकि लोकसभा चुनाव में भी लगभग 1 साल का वक्त है। ऐसे में देश की राजनीतिक तस्वीर बदलने की संभावना जोर पर पकड़ी हुई है।
जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड रिफॉर्म्स विषय पर आयोजित सेमिनार में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम में घुसपैठ कर ली और अपनी विचारधारा के लोगों को नियुक्त कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोलिस ने कहा है कि एस जयशंकर ने यूरोप की मानसिकता को लेकर जो टिप्पणी की थी वो एक अहम टिप्पणी थी। जयशंकर ने कहा था कि यूरोप को लगता है कि उसकी समस्याओं को पूरा विश्व अपनी समस्या माने, लेकिन जब पूरे विश्व को कोई समस्या आती है तो उसे लगता है कि उसकी समस्या है ही नहीं। पंजाब के मोहाली में आरपीजी अटैक को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी जांच में पाया है कि हमले के वक्त दीपक रांगा पाकिस्तानी आतंकी रिंडा के साथ वीडियो कॉल पर था। रिंडा ने वीडियो कॉल पर ही दीपक को आरपीजी आधारित ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। एनआईए ने दीपक को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 करने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में होने का भी मसला उठाया था। कोर्ट ने कहा है कि यह दूसरा विषय है, समान नागरिक संहिता पर अलग से सुनवाई हो रही है। सरकार की तरफ से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की समीक्षा के लिए 22 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के अलावा 4 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बैठक बुलाई है। इन बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि शंकर, अंशु प्रिया, महमूद अंसारी, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, दीपक कुमार, अभिनेश कुमार, एमडी नौशाद रजा और अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अधिक से अधिक लोग टैक्स को जमा करने के लिए जागरूक हों, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।